स्वागत है बच्चों आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज के इस लेक्चर में हम इस यूनिट का हाइलाइट्स देखने वाले हैं। हमने कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मॉड्यूलेशन पढ़ा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ा और सिंगल टोन मॉड्यूलेशन पढ़ा। इन सब का यहाँ पे हम हाइलाइट्स देखने वाले हैं बच्चों, क्योंकि इसके बाद के वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखेंगे, जो भी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। तो बच्चों, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले जितने भी फॉर्मूले आए, जितने भी रिजल्ट्स आए, उनको अपने माइंड में रखना या एक बार रिकॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं ये लेक्चर आपको ले रहा हूँ। बात समझ में आई? तो चलिए फटाफट हाइलाइट्स देखते हैं हम लोग कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का। तो बच्चों, सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम बताया था, बट उससे पहले व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफर और एक्सचेंज आवर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो बच्चों, जो मैसेज या इंफॉर्मेशन सेंड करने वाला ऑब्जेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसमीटर, जो रिसीव करता है उसे हम बोलते हैं रिसीवर, और दोनों के बीच का जो मीडियम होता है बच्चों, दोनों को कनेक्ट करने वाला जो मीडियम होता है, दैट इज नोन एज चैनल। चैनल बच्चों दो टाइप का होता था, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड मीन्स वायर्ड और अनगाइडेड मीन्स वायरलेस। उसके बाद हम लोगों ने मॉड्यूलेटर के बारे में पढ़ा। मॉड्यूलेटर ही सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था कम्युनिकेशन सिस्टम का। तो बच्चों, मॉड्यूलेटर मैंने बताया था कि मॉड्यूलेटर बेसिकली अ डिवाइस विच कन्वर्ट अ लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल टू हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल। हमारे जितने भी मैसेज सिग्नल होते हैं वो सब लो फ्रिक्वेंसी के होते हैं बच्चों। अगर हम लो फ्रिक्वेंसी पे मैसेज को हम ट्रांसमिट करें या कम्युनिकेट करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, मैंने आपको बताया था। तो हमें क्या करना होता है, उस लो फ्रिक्वेंसी मैसेज सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करना होता है, और इस प्रोसेस को बच्चों हमने क्या कहा, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं, इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, एक लेक्चर भी लिया था, उसमें मैंने बताया था कि क्यों मॉड्यूलेशन करते हैं, है ना। लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक हम ट्रैवल नहीं करा सकते हैं। दूसरा रीज़न था कि जो एंटीना की हाइट होती है सिग्नल को ट्रांसमिट या रिसीव करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसे रियलाइज करना पॉसिबल नहीं होता है। और मैंने बताया था कि मल्टीप्लेक्सिंग करने में प्रॉब्लम होती है बच्चों। ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो उसके बाद हम लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखा। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम क्या करते थे बच्चों, मैसेज सिग्नल था हमारा एम टी इज इक्वल टू ए एम कॉस टू पाई एफ एम टी। हमें इसी को सेंड करना था, इसी मैसेज सिग्नल को हमें सेंड करना था। तो उसके लिए हम लोगों ने कैरियर सिग्नल की मदद ली, जो हमने लिया था ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी, ठीक है। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो हमारा सिग्नल है वो क्या है बच्चों, साइनासोडल है और सिंगल फ्रीक्वेंसी का है, इसलिए ये सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई? तो हम लोगों ने जब कैरियर सिग्नल को, भाई मॉड्यूलेशन का मतलब क्या हुआ कि कैरियर सिग्नल के कैरेक्टरिस्टिक को मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज करना। तो जब आप कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो आफ्टर मॉड्यूलेशन बच्चों, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आया था उसका इक्वेशन आया था ए सी प्लस एम टी कॉस टू पाई एफ सी टी। कैरियर के एम्पलीट्यूड को हमने मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया था, और इस इक्वेशन को थोड़ा सा हमने मॉडिफाइड किया था, और इसमें हमने मॉड्यूलेशन इंडेक्स का कॉन्सेप्ट लाया था। तो ये सिग्नल मॉडिफाइड होके ए सी ब्रैकेट में वन प्लस म्यू कॉस टू पाई एफ एम टी कॉस टू पाई एफ सी टी, ऐसे कुछ आ गया था। अब इस सिग्नल में हमने देखा कि तीन तरह के कंपोनेंट आते हैं,
सबसे पहले तो कैरियर सिग्नल था, उसके बाद लोअर साइड बैंड था और फिर अपर साइड बैंड था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, तो उन्हीं को हम यहाँ पे एक बार कलेक्ट करते हैं। इस इक्वेशन को बच्चों मैंने ऐसे लिख दिया था, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस म्यू ए सी बाई 2 कॉस 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम टी प्लस म्यू ए सी बाई 2 कॉस 2 पाई कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टी। ये हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल का इक्वेशन आ गया था। अब बच्चों यहां हमने म्यू को बोला था मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू होती है बच्चों ए एम बाई ए सी। मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, सॉरी 0 से 1 के बीच में, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वो होती है बच्चों 1। हमें कभी भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 से ज़्यादा नहीं रखना है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था क्या प्रॉब्लम आती है। इस सिग्नल का हमने स्पेक्ट्रम बनाया था, स्पेक्ट्रम से हमें ये पता चला था कि तीन कंपोनेंट जिसमें एक तो कैरियर फ्रीक्वेंसी थी जो एफ सी थी, फिर एक लोअर साइड बैंड था जो बच्चों एफ सी माइनस एफ एम टू एफ सी वेरी कर रहा था, और अगर हम बात करें लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी तो वो थी बच्चों एफ सी माइनस एफ एम फॉर सिंगल टोन, आपको याद होगा, और अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी आई थी एफ सी प्लस एफ एम। ठीक है, तो ये तो हो गई फ्रीक्वेंसी की बात। उसके बाद हम लोगों ने बच्चों बैंडविड्थ पे चर्चा की। बैंडविड्थ मैंने बताया कि बैंडविड्थ बेसिकली कैलकुलेटेड बाय डिफरेंस बिटवीन हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। दो तरह के सिग्नल के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, एक बैंड पास सिग्नल था बच्चों और एक बेस बैंड सिग्नल था। तो बेस बैंड सिग्नल में लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ जो लोअर फ्रीक्वेंसी थी वो 0 या 0 के करीब थी, और बैंड पास सिग्नल में लोअर फ्रीक्वेंसी जो थी वो 0 से काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, तो बच्चों अगर हम बात करें बेस बैंड सिग्नल की, सारी बातें मैंने आपको बता रखी हैं, एक बार आप वीडियो देखना, यहाँ हम हाइलाइट्स देख रहे हैं। बेस बैंड सिग्नल की बात करें तो चूंकि एफ एल की वैल्यू 0 है और यहाँ एफ एच की वैल्यू क्या है बच्चों डब्लू है, तो बैंड विड्थ की वैल्यू क्या आ जाती है एफ एच, जो कि डब्लू के इक्वल होता है। तो फॉर बेस बैंड सिग्नल बैंड विड्थ इज इक्वल टू द हाइयर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। बात समझ में आई? तो इसके बाद बच्चों हम लोगों ने पावर कैलकुलेशन किया था, और मैंने आपको बताया था कि कोई भी साइनासोडल सिग्नल ए कॉस 2 पाई एफ टी है, तो इसके लिए बच्चों पावर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बाई 2 आता था। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमने दो टाइप्स के पावर पे डिस्कशन किया। नंबर 1 टोटल पावर और नंबर 2 साइड बैंड पावर, आपको याद होगा साइड बैंड पावर। ठीक है, जो टोटल पावर था वो पूरे एस टी सिग्नल का पावर था, जिसमें कैरियर आता था, लोअर साइड बैंड आता था और अपर साइड बैंड आता था। तो बच्चों इस यहाँ टोटल पावर की वैल्यू पी सी कैरियर का पावर प्लस लोअर साइड बैंड का पावर प्लस अपर साइड बैंड का पावर, इसके पावर की वैल्यू क्या आती थी ए सी स्क्वायर बाई 2, इसके पावर की वैल्यू आती थी म्यू स्क्वायर ए सी स्क्वायर बाई 4,
और ये भी बच्चों क्या आता था, म्यू स्क्वायर ए सी स्क्वायर बाई फोर। लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड का पावर क्या था बच्चों, इक्वल था। और यहां से हम लोगों ने टोटल पावर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी इन द टर्म ऑफ कैरियर सिग्नल पावर, और ये आया था पी सी ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई टू। बात समझ में आई बच्चों? अगर हम बात करें लोअर साइड बैंड पावर की, तो ये आया था म्यू स्क्वायर ए सी स्क्वायर बाई फोर, या आप यूं कह लें म्यू स्क्वायर बाई फोर इंटू पी सी, और यही वैल्यू आई थी बच्चों अपर साइड बैंड की। और दोनों साइड बैंड के पावर को हमने जोड़ दिया था तो पूरे साइड बैंड का पावर आया था म्यू स्क्वायर बाई टू इंटू पी सी। बात समझ में आई? अगर हम बात करें बच्चों इफिशियंसी की, तो इफिशियंसी हमने कैलकुलेट किया था आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई इनपुट पावर, या यूजफुल पावर डिवाइडेड बाई टोटल पावर। तो यूजफुल पावर बच्चों हमारा क्या था, साइड बैंड का पावर। टोटल पावर क्या था, पीटी। और यहां से हम लोगों ने साइड बैंड पावर टोटल पावर की वैल्यू रखी थी, तो इफिशियंसी बच्चों आई थी म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस म्यू स्क्वायर। बात करें अगर परसेंटेज की, तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो गया था। ओके, अब यहां पे मैंने बताया था फॉर 100% मॉड्यूलेशन या फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स इफिशियंसी बिकम्स 33.33%, जो कि बहुत ही पुअर इफिशियंसी थी। बात समझ में आई बच्चों? फिर हमने डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, आपको याद होगा। अगर हम बात करें टोटल करंट की, तो टोटल करंट की वैल्यू क्या आई थी, कैरियर का करंट मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई टू, और यही एक्सप्रेशन आया था बच्चों वोल्टेज के लिए। तो टोटल वोल्टेज की वैल्यू वी सी ब्रैकेट में अंडर रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई टू, ये आ गई थी। बात समझ में आई? लास्ट लेक्चर मैंने मॉड्यूलेशन इंडेक्स का लिया, और 3 डिफरेंट केसेस हमने मॉड्यूलेशन इंडेक्स से देखे। मॉड्यूलेशन इंडेक्स जब लेस देन 1 था, जिसको हम अंडर मॉड्यूलेशन बोलते थे, जब 1 था तो 100% मॉड्यूलेशन या एग्जैक्ट मॉड्यूलेशन, और जब म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी तो ओवर मॉड्यूलेशन। तीनों केस पे हमने एसटी सिग्नल का पैटर्न देखा बच्चों, और वहां से हमने डिसाइड किया कि हमें म्यू की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 या इक्वल टू 1 लेके चलनी है, क्योंकि ओवर मॉड्यूलेशन के केस में डिस्टॉर्शन आ जा रहा था हमारे एसटी सिग्नल में, है ना। जो जीरो क्रॉसिंग वाला पॉइंट था, वहां सिग्नल में 180 डिग्री का क्या हो जा रहा था, फेस शिफ्ट हो जा रहा था। बात समझ में आई बच्चों? और हमने उस लेक्चर में आपको ये भी बताया था कि जो एसटी सिग्नल होता है उसका एम्पलीट्यूड बच्चों टाइम के साथ वैरी करता है, और उसका जो वेरिएशन है वो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग होता है। और इसी को हमने क्या लिखा था बच्चों, वीटी लिखा था। वीटी की वैल्यू आई थी एसी 1 प्लस म्यू कॉस 2 पाई एफ एम टी, और इसके अकॉर्डिंग हमने बताया इस वेरिएबल एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू, जो कि आई थी एसी ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू, और एम्पलीट्यूड की मिनिमम वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी जो आया था एसी 1 माइनस म्यू। बच्चों वहां हमने एम्पलीट्यूड को एटी से रिप्रेजेंट किया था, आपको याद होगा। यहां मैं वीटी लिख दिया हूं, तो बट कोई बात नहीं, कोई भी नोटेशन आप यूज कर सकते हो, ए मैक्स और ए मिन। बात समझ में आई बच्चों? तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। यहां से हमने एसी की वैल्यू भी निकाली थी, ए मैक्स प्लस ए मिन बाई टू एवरेज था ए मैक्स और ए मिन का, ए मैक्स प्लस ए मिन बाई टू, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स बच्चों निकाला था म्यू इज इक्वल टू ए मैक्स माइनस ए मिन डिवाइडेड बाई ए मैक्स प्लस ए
मीन, आपको याद होगा। बात समझ में आई बच्चों? और आखिरी में हमने अंडर मॉड्यूलेशन के केस में जो एसटी सिग्नल था उसका हमने ट्रेपेजॉइडल व्यू देखा था, ट्रेपेजॉइडल पैटर्न हमने उस एएम वेव का देखा था, तो कुछ इस तरीके से आया था, आपको याद होगा। इस ट्रेपेजॉइडल शेप का ये वाला वैल्यू मैंने बोला था ए और इसको लिया था हम लोगों ने बी, तो इस ट्रेपेजॉइडल शेप से हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो कि आया था ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। बात समझ में आई बच्चों? तो ये सारे फॉर्मूले सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अब इसके बाद हमें अब तक के जो भी हमने लेक्चर्स किए उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखना है बच्चों, क्योंकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का अप्रोच क्या है आपका ये सीखना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है बच्चों कि हम कॉन्सेप्ट तो सीख जाते हैं, सारे फॉर्मूले हमें याद रहते हैं, बट उन्हें कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है, प्रॉब्लम्स को समझना कैसे है, ये हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए बच्चों इसके बाद मैं एक लेक्चर लूँगा और उसमें आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्वेश्चन को क्या अप्रोच अप्लाई करते हैं सॉल्व करने के लिए। बट उससे पहले जितने भी यहाँ पे मैंने फॉर्मूले लिखे, जो कुछ भी हमने लिखा वो आप एक पेज पे नोट करेंगे, बल्कि आप खुद से रिवीजन करके पेज पे नोट करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने स्किप कर दी हैं, है ना, तो वो आप एक पेज पे नोट करके सुंदर से, और जब आप न्यूमेरिकल लगाने बैठेंगे तब अपने सामने रखिएगा और तब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बात समझ में आई बच्चों? तो आज इतना ही सीखते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।